मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए सीईओ सस्पेंड, छुट्टी लेकर हुए थे लापता। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने यूपी के उन्नव जिले से आ रहा है, जहां पर सीईओ एकदम अचानक ही लापता हो गए, जिसके बारे में जानकारी जानते हुए उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि उनके पति जो कि कृपया शंकर है वो कहां पर है। इसी दौरान ही पुलिस से उनको जानकारी ये मिली कि 6 जुलाई को उन्होंने छुट्टी ली है। छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि उनके घर में कुछ अर्जेंट काम है। इसी दौरान ही उनकी जो पत्नी है उन्होंने ये चीज बताया है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, उनकी हेल्प की जाए और उनके पति को ढूंढा जाए क्योंकि अभी वो कहां पर चले गए हैं अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि उनका प्राइवेट नंबर और जो उनका पुलिस स्टेशन का नंबर है वो दोनों ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। इस दौरान ये जानकारी लेके पुलिस स्टेशन में जो लोग हैं, पुलिस कर्मचारी जो है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के साथ ही उन्होंने जो फोन स्विच ऑफ कहां लास्ट टाइम हुआ था ये लोकेशन जो है वो निकाल ली, और वो लोकेशन थी कानपुर के एक होटल की। और जब वहां पर छापामारी की गई तब वहां पर सीओ वहां पर मिले एक महिला कांस्टेबल के साथ वो वहां पर रह रहे थे और उनका फोन जो है वहां पर स्विच ऑफ हो चुका था। ये जानकारी पाने के बाद वहां पर उनको एक्चुअली में सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने झूठे तौर पर ये छुट्टी ली थी और वो घर पे नहीं गए थे और वो महिला कांस्टेबल के साथ होटल में टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके कारण उनके ऊपर अभी इंक्वायरी बिठाई जा रही है। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।